नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काबा से चर्चा में आई नेहा सिंह राठौर के बारे में। बिहार में काबा से चर्चा में आई नेहा सिंह राठौर आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। नेहा ने बिहार में काबा से सरकार पर सवाल उठाते हुए चुनाव के समय खूब सवाल पूछा था, जिसके कारण नेहा को काफी लोकप्रियता मिली। उनके गीतों ने सोशल मीडिया को भी खूब कवर किया था। बिहार में काबा से सुर्खियों में आई नेहा का जन्म बिहार के कैमूर जिले के गाँव में हुआ था। इस गाने नेहा ने पलायन, रोजगार, दहेज समेत कई मुद्दों पर नेहा के गानों ने सोशल मीडिया पर खूब सारी सुर्खियां बटोरी थी। इस गाने के बाद से ही नेहा के कई गानों ने सुर्खियां बटोरी है। अब बात करते हैं नेहा के शुरुआती जीवन की, तो नेहा सिंह राठौर ने कानपुर के विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है। नेहा सिंह के पिता का नाम रमेश सिंह और माता का नाम चंपा देवी है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी की थी। जिसके बाद ही नेहा ने यह ठाना कि वो आसपास हो रहे मुद्दों पर गाना बनाएंगी और गाएंगी, जिसके बाद नेहा ने साल 2018 से गाने की शुरुआत की थी। लेकिन उनको असली पहचान उनके बिहार में काबा गाने से मिली थी। इस गाने के आते ही नेहा के फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अपने गाने को लेकर नेहा बताती हैं कि वो अपना हर गाना फेसबुक पर जरूर डालती हैं। एक बार फेसबुक से उनके फॉलोअर की संख्या तेजी से कम हो गई। इसके बाद नेहा ने अपने गाने ट्विटर पर डालने शुरू कर दिए। एक गाना उन्होंने बेरोजगारी पर भी गाया था। इस गाने को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के समय लोगों ने खूब शेयर किया। कई बड़े विपक्षी नेताओं ने भी गाना शेयर कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते लोगों के मैसेजेस और फोन आने लगे। नेहा कहती है कि उन्होंने कभी भी गाना वायरल करने की नीयत से गाया ही नहीं और ना ही लिखा था। वो सिर्फ जन की आवाज बनना चाहती थी। ईमानदारी के साथ अपना काम करती है। जो लोग अपनी बात कहने से डरते हैं, उनकी बात गाने के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती है। नेहा कहती है कि जब भी कोई गाने की तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। लगातार सरकार के चुनौती देने वाले गाने लिखने और गाने पर डर नहीं लगता है। सवालों पर नेहा ने कहा है कि डर तो सबको लगता है जब नियम नहीं मालूम होते हैं। मुझे लोकतंत्र का नियम मालूम है, डरने की क्या जरूरत है। सरकार ने कहा है कि आप सवाल कर सकते हैं। आपको बता दें, नेहा अधिकांश गीत प्रकृति हमारी पूरी प्रणाली को समर्पित है। उनका पहला सबसे अच्छा गीत रोजगार देव का करवा नाटक है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है क्या आप नौकरी देंगे या सिर्फ नाट्यशास्त्र में लिप्त होंगे। नेहा के इन्हीं गानों ने आज नेहा को स्टार बना दिया है। हालांकि नेहा के कुछ गानों के कारण नेहा को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। हाल ही में नेहा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर अपना गाना पेश किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब बुरा भला कहा था। लेकिन लोगों के इस बर्ताव का नेहा पर कोई असर नहीं पड़ा। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर लोगों ने नेहा को इस गाने को हटाने का दबाव बनाया, वहीं नेहा ने भी अपनी जिद पर नहीं छोड़ी और वो अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्होंने अपना यह गाना नहीं हटाया। वहीं नेहा की निजी जिंदगी की बात करें तो हाल ही में नेहा ने सगाई की है। मिली जानकारी के अनुसार नेहा ने हिमांशु के साथ सगाई कर ली है, जिसकी जानकारी दोनों ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा था कि अपना प्यार बनाए रखें। आपको बता दें, हिमांशु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके है। आपको यह भी बता दें कि हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हिमांशु लिखने का काम भी करते हैं, वो शौकिया कविताओं को भी लिखते हैं। उनके कविता लिखने का तरीका बेहद ही रोचक और अलग होता है। हिमांशु एक अच्छे पेंटर भी है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया सुपरस्टार नेहा सिंह राठौर और हिमांशु दोनों एक बंधन में जल्द ही बंधने वाले हैं। हालांकि इन दोनों में एक समानता ये है कि ये दोनों साहित्य से जुड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि हम आगे भी नेहा सिंह राठौर के और भी रोचक गाने जरूर सुने। इसके साथ ही आप हमें ये बताएं कि आपको नेहा सिंह राठौर का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद आया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।